हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईआईटी जैम केमिस्ट्री पर। मैंने रिएजेंट सीरीज में चार लेक्चर कंप्लीट कर दिए, जिसमें मैंने फर्स्ट दो लेक्चर में एल्युमिनियम बेस्ड रिएजेंट को कंप्लीट किया है। उसके बाद दो लेक्चर में मैंने बोरान बेस्ड रिएजेंट को कम्प्लीट किया है, और इस लेक्चर में मैं हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजिनोलिसिस को डिटेल में डिस्कस करूँगा, दोनों में क्या डिफरेंस है और उनके कई सारे एग्जाम्पल्स को मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले हम समझते हैं हाइड्रोजनेशन क्या है। हाइड्रोजिनेशन हमारा H2 एडिशन है, और हाइड्रोजिनोलिसिस हमको क्या समझना है, हमको बॉन्ड क्लीवेज समझना है। ओके, तो जो हमारा बेंजाइलिक बॉन्ड होगा वहां पे क्लीवेज होगी तो उसको हम हाइड्रोजिनोलिसिस बोलेंगे, और हाइड्रोजिनेशन में हमको हाइड्रोजन एडिशन सोचना है। ठीक है, तो आइए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हमारा दो टाइप का होता है। पहला हमारा हेट्रोजीनस है और सेकेंड हमारा होमोजीनस है। तो होमोजीनस में हमको मेनली विल्किंसन कैटलिस्ट पढ़ना है, और हेट्रोजीनस में हमको हाइड्रोजन विद डिफरेंट मेटल्स पढ़ना है, H2, पैलेडियम और रैने निकल। ये सब हमको पढ़ने हैं डिटेल्स में, उनके क्या वर्क हैं ये सब देखना है। और उसके पहले हम देखते हैं कि हेट्रोजीनस और होमोजीनस हाइड्रोजनेशन में मेनली हमारा डिफरेंस क्या है। ओके, तो हेट्रोजीनस कैटालिसिस में कैटलिस्ट और हमारे रिएक्टेंट दोनों सेम फेज में नहीं होते हैं, वो फेज या तो गैस हो सकती है या तो लिक्विड हो सकती है, जबकि होमोजीनस कैटलिस्ट में हमारा कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम फेज में होते हैं, दैट फेज कैन बी गैस और लिक्विड। ओके, तो हाइड्रोजिनस कैटलिस्ट से हम स्टार्ट करते हैं पहले। तो हाइड्रोजिनस कैटलिस्ट की मैकेनिज्म देखते हैं। तो जो हमारा कैटलिस्ट सरफेस है उस पर हाइड्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन होगा पहले, एड्सॉर्प्शन के बाद हमारी एल्कीन अप्रोच करेगी कैटलिटिक सरफेस की तरफ, ये बाउंड करेगी, ये देखिए बाउंड करेगी कैटलिक सरफेस से, फिर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ये देखिए हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, उसके बाद अगेन हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और ये हाइड्रोजन हम सिन एडिशन करेगा। ओके, इसके बाद हमारा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आइसोमराइजेशन हो, तो आइसोमराइजेशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट दे सकता है, पर मेजर प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो एल्कीन का हाइड्रोजन सिन एडिशन से ही हमको मिलेगा। अगर आइसोमराइज कर रहा है हमारा एल्कीन तो हमको ये एल्कीन आइसोमराइज होकर मिल जाएगी, ये देखिए 1, 2, 3 एंड दिस इज 1, 2, 3। जब हमारा हाइड्रोजन एडिशन होगा तो हमको ये दूसरी एल्कीन मिलेगी, तो हमको दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं ए एंड बी। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस में विदाउट आइसोमराइजेशन होता है, तो ए हमारा मोस्ट केस में मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, तो ये हमारी बेसिक मैकेनिज्म थी हाइड्रोजन की, जिसमें हमारा सिन एडिशन होता है एल्कीन पे। ओके, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एसिड क्लोराइड RCOCl है, सॉरी RCOCl। सो RCOCl हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और ये सबसे तेज रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है जो हमारा एसिड क्लोराइड होता है, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन एल्डिहाइड, देन एल्कीन एंड सो ऑन। हमारा जो एरोमेटिक सिस्टम होता है बहुत ही बैड टूवर्ड्स हाइड्रोजन एडिशन होता है, इसके लिए हमको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जरूरी होता है, और कैटलिस्ट में हमको या तो रैने निकल चाहिए होता है वो भी हाई टेम्परेचर पर। और ये देखिए कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड का जो रिएक्शन रेट है वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा है, ये देखिए। ऐसा क्यों, आप ऐसे समझते थे, मान लीजिए कोई कैटलिटिक सरफेस है। ओके, अब पहले हमारा हाइड्रोजन तो इस पर अटैच ही होगा कैटलिक सरफेस पे। अब जब ट्रिपल बॉन्ड, आपको पता होगा कि एल्काइन लीनियर होती है तो ये आसानी से अप्रोच कर सकती है हमारी कैटलिक सरफेस पर जब यही हमारी एल्कीन होगी, तो एल्कीन में आप समझ सकते हैं ऐसी एल्कीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है तो कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, और ये हमारा कैटलिटिक सरफेस है,
यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है। तो जब ये हाइड्रोजन के बीच में स्टेरिक रिपल्सन होगा या तो एल्किल ग्रुप हो सकता है, तो ये उतनी इजिली अप्रोच नहीं कर पाती है, जबकि हमारी एल्काइन ड्यू टू लीनियर स्ट्रक्चर इजिली अप्रोच कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जो एल्काइन का रिडक्शन है वो एल्किन के रिडक्शन से तेज होता है। अब ये देखिए कि हमारा अटैक कैसे साइक्लोहेक्सीन जिसमें एक्सो बॉन्ड है एल्किन उसमें कैसे होता है। सो यहाँ पे हमारा इक्विटोरियल अटैक या एक्सियल अटैक दोनों हो सकता है, पर मैंने बताया था कि जब हमारा बल्कि रिएजेंट हो तो हमारा इक्विटोरियल अटैक होगा। आप पहले के चार लेक्चर देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो। अब आपको लग रहा होगा कि हाइड्रोजन तो हमारा बहुत ही बल्कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन में उतना कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं है, पर जब हमारा कैटालिटिक सरफेस से बाउंड होता है तब तो ये बल्कि हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि कैटालिटिक सरफेस भी होगा कोई मेटल का और हाइड्रोजन भी उसके साथ अटैच होगी तो ये बल्कि हो जाएगा। अब जब बल्कि हो जाएगा तो हाइड्रोजन हमारी इक्विटोरियल साइड से आएगी, ये इक्विटोरियल साइड है, जब इक्विटोरियल साइड से आएगी तो हमारा सी एस थ्री कहाँ पर जाएगा, एक्सियल, जब सी एस थ्री एक्सियल जाएगा तो ये अबव द प्लेन हो जाएगा। ये देखिए आप ये देख सकते हैं ये हमारा पहले सेल्फ ग्रुप है और सी एस थ्री हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो सी एस थ्री देखिए अबव द प्लेन है, यहाँ पे सी एस थ्री एल्किल ग्रुप अबव द प्लेन है, यहाँ पे भी अबव द प्लेन है। तो ये देखिए 70% जो हमको मिल रहा है वो अबव द प्लेन प्रोडक्ट मिल रहा है, मेजर प्रोडक्ट है। इसके बाद देखते हैं, फिर मैंने बोला था कि इस तरह के कैंपर बेस सिस्टम जो भी होते हैं नॉन बोर्निंग सिस्टम होते हैं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारा तो हमारा एक्सो अटैक हमेशा होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा एक्सो अटैक होगा। ओके, एक्सो अटैक मतलब इस साइड से अटैक होगा हमारा। हाइड्रोजन जब हमारी इस साइड से आएगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन अबव द प्लेन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अबव द प्लेन, तो हमारी सिस्टी दोनों बिलो द प्लेन चली जाएगी। ये देखिए हमारा मेजर प्रोडक्ट है, पर यहीं पे अगर हमारा सी एस पी होता तो इसका अपोजिट हमको ही मिलता, तब ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता और ये हमारा माइनर होता। ओके, वही बात, यहाँ पे अगर हमारा हाइड्रोजन है तो हमारा एक्सो अटैक होगा, अदरवाइज यहाँ पे अगर हमारा एल्किल ग्रुप है कोई सी एस पी तो हमारा बिलो द प्लेन अटैक होगा, उस केस में हमारा ये मेजर प्रोडक्ट रहता, पर यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन था इसलिए हमको एक्सो प्रोडक्ट एक्सोसाइट से अटैक होगा और हमको ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद ये देखें हमारी रिएक्शन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है पर बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन, आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप देख के डरना नहीं है। यहाँ पे कीटोन है, चार एल्काइल ग्रुप की बात कीटोन है, एमाइड टाइप की है और यहाँ पे हमारा एल्कीन है। हमको देखना एल्कीन कहाँ पे है, तो एल्कीन से हमारा रिडक्शन होगा, एल्कीन का रिडक्शन होगा और वो भी सिस फाइनल मैनर में होगा। ये देखिए H2 हमारा सिस मैनर में एडिशन हो रहा है। उसके बाद देखिए हमारा ये ROBN है, ये हमारा हाइड्रोजिनोलिसिस का एग्जाम्पल है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, हाइड्रो जीनो हाइड्रोजिनोलिसिस। तो हाइड्रोजिनोलिसिस में हमको क्या देखना है, जो हमारा बेंजाइलिक पोजीशन होती है वहां पे हमको क्लीवेज करना है, RO CH2 and pH, ये है हमारा, तो ये हमारी बेंजाइलिक पोजीशन है, यहाँ पे हमारी क्लीवेज होगी। हाइड्रोजिनोलिसिस में मैंने बोला था कि क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होती है, यहाँ पे जब क्लीवेज होगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये देखिए हमारा टॉलुइन बन गया और हम यहाँ पे अल्कोहल बन गया। ओके, सो हाइड्रोजिनोलिसिस में आगे भी डिस्कस करूंगा, उसके पहले देखिए हमारा हाइड्रोजिनस कैटलिटिक में कैसा हमारा डायरेक्टेड हाइड्रोजिनस हाइड्रोलिसिस होता है। जब भी हमारा एल्कोहल या एमीन कोई पोलर फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें हमारी कीलेशन की प्रोबेबिलिटी होती है विथ कैटालिटिक सरफेस, तो हमारा जिस साइड OH ग्रुप है उसी साइड से हमारा हाइड्रोजन भी डिलीवर होगा। ये देखिए हाइड्रोजन हमारा अबव द प्लेन था, CH2OH अबव द प्लेन है, इसलिए हाइड्रोजन भी हमारा यहाँ पे अबव द प्लेन आया, यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ओके, इसी तरह के इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा CH2OH है अबव द प्लेन, इसलिए हमारा ये हाइड्रोजन भी अबव द प्लेन आया सेम साइड से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिलीवर्स हाइड्रोजन फ्रॉम सेम साइड। ओके, पर ये देखिए हमारा कोई अदर ग्रुप होता जैसे एस्टर होता, ये हमारा बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे हमारी कोई क्लीलेशन की भी प्रॉबिलिटी नहीं है, तो जब क्लीलेशन नहीं होगा तो हाइड्रोजन हमारा अपोजिट साइड से आएगा। ये देखिए
अब इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हमारा किलेशन होगा, जब भी किलेशन होगा तो हमारा हाइड्रोजन भी उसी साइड से आएगा। ये देखिए हमको 95% प्रोडक्ट मिल रहा है इसका, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब हमारा बेंजीन सिस्टम या नैफ्थलीन रिंग, ये देखिए नैफ्थलीन हमारा सिस्टम है। अब नैफ्थलीन सिस्टम को अगर हम रिड्यूस करना है तो मैंने बोला था रैनिनिकल चाहिए होगा और हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। जब देखिए हमारा टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एक ही रिंग का हमारा रिडक्शन हुआ है, इस रिंग का रिडक्शन हुआ है, जबकि ये रिंग वैसे ही है। और जब हमने टेम्परेचर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दिया तो हमारी दोनों रिंग का रिडक्शन होगा। ये देखिए, ये हमको डेकालिन सिस्टम मिल गया नेफेलिन से। तो नेफेलिन से डेकालिन सिस्टम कैसे बना सकते हैं ये आपको याद रखना है। अब जो हमारा एल्डिहाइड है या कीटोन है उसको हम एल्केन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। सो 1,3-diethyne, ये हमारा 1,3-diethyne है, उससे पहले एल्कोहल कीटो ग्रुप का प्रोटेक्शन करते हैं, ये हमारी प्रोटेक्शन ग्रुप प्रोटेक्शन है। ओके, उसके बाद प्रोटेक्शन के बाद डीसल्फराइजेशन, रैनिनिकल हमारा डीसल्फराइजेशन एजेंट भी होता है, जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी तो हमको एल्केन मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, उससे हमको अगर एल्केन बनाना है तो हमको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अब रोजेन रिडक्शन आपने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड से पढ़ना है कि अगर हमको एसिड क्लोराइड से अगर हमको एल्डिहाइड चाहिए, उसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं करना चाहते हैं एल्कोहल में, तो हम रोजेन रिडक्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए जो क्विनोलिन है वो एज अ पॉइजन कैटलिस्ट करती है, एज अ कैटलिस्ट पॉइजन का मतलब क्या है कि इसका हमारा फर्दर रिडक्शन नहीं होगा एल्कोहल में। यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या थी कि यहाँ पे ये अल्कोहल में भी रिड्यूस हो जाता, पर यहाँ पे अल्कोहल में रिड्यूस नहीं होगा, सिर्फ हमारे एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन हो जाएगी। तो हाइड्रोजन, पैलेडियम और BSO4 और क्विनोलिन हम यूज़ करेंगे, तो इसको रोजेन में रिएक्शन करते हैं। एज अ सपोर्ट यूज होता है BSO4 हमारा। ओके, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी, बेसिक रिएक्शन थी। अब देखते हैं कि लिनलार कैटलिस्ट पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, तो एल्कीन एल्काइन से हमको अगर सिस एल्कीन चाहिए तो हम रोजेनमुंड डिडक्शन फॉलो करते हैं। अगर यहीं पे हमको ट्रांस एल्कीन चाहिए होती तो उसके लिए हम बर्च डिडक्शन आपने पढ़ा होगा, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करूंगा बर्च डिडक्शन को, तो वहाँ पे हमको ये ट्रांस एल्कीन देती है, पर यहाँ पे हम कुछ सिस एल्कीन चाहिए। और ये देखिए जो पहला एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सेलेक्टिव रिडक्शन है। ये देखिए TMS है, TMS क्या है, ट्राइमिथाइसिलाइल ग्रुप है, SIME3। ओके, तो हमारा सिर्फ ये ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन हुआ है, और ये जो प्रोटेक्टेड बॉन्ड था ये प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है ट्राइमिथाइसिलाइल ग्रुप, इसका रिडक्शन नहीं हुआ। और ये देखिए सिस एल्कीन हमको मिली है जहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हमारे सेम साइड में है। उसी तरह ये भी एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे हमारा कीटो ग्रुप भी है, एस्टर भी ग्रुप है, और हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमको सेलेक्टिवली अगर ट्रिपल बॉन्ड ही रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं लिनलार कैटलिस्ट। आगे देखते हैं, अभी देखिए लिनलार कैटलिस्ट और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन दोनों को कंबाइन करके कैसे प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, और ये दो बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, दो बार ये CSIR एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड दोनों हमारी सिस एल्कीन में रिड्यूस हो गई। सिस एल्कीन में रिड्यूस होने के बाद ये हमारा, ये देखिए सिस एल्कीन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये CH2OH, ये CH2OH है। अब इसके बाद हमारा साइक्लाइजेशन हो सकता है 8 pi, ये 8 pi सिस्टम है 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे देखिए अगर आपने पहली साइक्लिक रिएक्शन पढ़ी होगी तो आपने कॉन रोटेशन पढ़ा होगा, कॉन रोटेशन मतलब हमारा सेम साइड में दोनों ग्रुप जाएंगे, मतलब अगर हमारा क्लॉक वाइज जा रहे हैं दोनों ग्रुप तो दोनों क्लॉक वाइज जाएंगे, अगर दोनों एंटी क्लॉक जा रहे हैं दोनों एंटी क्लॉक जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे दोनों क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो ये इस तरह से मूव करेगा और ये इस तरह से मूव करेगा, तो हमारा ये अबव द प्लेन आएगा। ये देखिए ये CH2OH अबव द प्लेन जाएगा और ये देखिए बिलो द प्लेन चला जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे ऊपर उठेगा और ये कैसे नीचे की तरफ जाएगा।
पर अभी देखिए हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी बचा है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी फर्दर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन के अंदर जाएगा, तो हमको ये मिलेगा प्रोडक्ट जहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हमारे 6 साइड में होंगे। तो ये आपको मेन, अगर आपको इस लेक्चर में देखना, अगर आपने पेरिसाइक्लिक नहीं पढ़ी तो आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है, बाकी मैं जब पेरिसाइक्लिक पढ़ाऊंगा तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। आगे देखते हैं। ओके, अब हमारा हाइड्रोजिनस कैटलिस्ट खत्म हो गया, अब होमोजिनस कैटलिस्ट हाइड्रोजिनस बात करते हैं। सो उसकी मैकेनिज्म क्या है बेसिक, तो पहले एग्जांपल हमारा होमोजिनस कैटलिस्ट का क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट में ये हमारा मेटल फ्रैगमेंट है, मेटल फ्रैगमेंट पर सबसे पहले हाइड्रोजन का सिसेडिशन होगा। ये सब चीज़ें आप ऑर्गेनोमेटेलिक्स में पढ़ेंगे, पर मैं बेसिक मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन का सिसेडिशन होगा तो हमको ये स्पीसीज मिलेगी, उसके बाद हाइड्रोजन के एडिशन के बाद एल्किन का इंसर्शन होगा, एल्किन के इंसर्शन के बाद हमको ये स्पीसीज मिलेगी। और ये देखिए एक लिगेंड हमारा डिटैच भी हो रहा है क्योंकि हमको कोऑर्डिनेशन नंबर भी मेंटेन रखनी है। उसके बाद लिगेंड देखिए, लिगेंड का कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है मेटल लिगेंड, और ये देखिए हाइड्रोजन एल्किन कैसे बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है, यहाँ पे बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है। ये सब स्टेप आपको मैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स में डिस्कस करूंगा, पर आपको बस ये थोड़ा समझना है कि किस तरह से हमारा कैटलिटिक साइकिल हमको एल्किन से एल्केन में प्रोडक्ट दे रही है। ओके, अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो जो हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्किन होगा वो सबसे तेज अंडर रिडक्शन जाएगा, उसके बाद हमारे जो 1-1 सब्स्टिट्यूटेड है मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी वो भी हमारी जो 1-1 सब्स्टिट्यूटेड है वो फास्ट रिएक्शन जाएगी, उसके बाद ट्रांस एल्किन और उसके बाद ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, और हमारा सिस का जो रिडक्शन होगा वो ट्रांस से ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि जो आपको पता होगा सिस में मान लीजिए ऐसा है सिस्टम है, तो ये हमारा कैटलिक सरफेस को इजीली अप्रोच कर सकता है। ये मान लीजिए हमारा कैटलिक सरफेस है तो इजीली अप्रोच कर सकता है, जबकि वहीं पे हमारी ट्रांस एल्किन होती है तो ये हमारे इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये देखिए हमारा स्टीरिक हिंड्रेंस भी वर्क करेगा थोड़ा, इसलिए सिस का रिडक्शन जो होता है ट्रांस से ज़्यादा तेज होता है। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है और यहाँ पे देखिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड का रिडक्शन रेट फास्ट होता है, इसलिए हमारी ये एल्किन रिड्यूस हो गई और ये हमारी रिड्यूस नहीं हुई। तो सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं ये भी हम देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमारी डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है, ये हमारी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि हमारी देखिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है 1, 2 एंड 3, तो हमारी डाई सब्स्टिट्यूटेड का रिडक्शन रेट फास्ट होगा, क्योंकि ये लेस जो भी लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी उसका रिडक्शन रेट हमारा तेज होगा। तो ये हमारी एल्किन एल्केन में कन्वर्ट हो गई, बाकी ये जैसी थी वैसी ही रहेगी। आगे आगे आइए देखते हैं। अब देखिए विल्किंसन कैटलिस्ट हमारा सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर रहा है और किसी फंक्शनल ग्रुप से हमारा रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रो ग्रुप है, एल्किन है और ये फिनाइल रिंग है, और फिनाइल रिंग के रिडक्शन के लिए आपको पता होगा कि रैनोनिकल यूज़ करते हैं और वो भी हाई टेम्परेचर के लिए, तो यहाँ पे ना ही फिनाइल रिंग का रिडक्शन होगा और ना ही नाइट्रो ग्रुप होगा, सिर्फ जो हमारा डबल बॉन्ड था वो हमारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, बाकी हमारा एज इट इज़ है। ओके, पर हमारा हाइड्रोजन प्लैटिनम सरफेस पे लेते, प्लैटिनम भी बहुत अच्छा कैटलिस्ट है, तो हमारा ये नाइट्रो ग्रुप है वो भी रिड्यूस हो गया विद डबल बॉन्ड। ओके, तो आपको ये याद रखना है, फॉर एग्जांपल आपसे एग्जाम में ए और बी की तरह पूछा जा सकता है कि ए क्या है और बी क्या है, तो बहुत एग्जाम सिंपल है। अब जब भी आपको विल्किंसन कैटलिस्ट दिया है आपको सिर्फ डबल बॉन्ड का रिडक्शन लेना है, वो भी जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड का आपको रिडक्शन सोचना है। ओके, अब ये देखिए ये हमारा H2OH है, ये हाइड्रोक्स के रूप है, मैंने डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन बोला था, तो विल्किंसन कैटलिस्ट में हाइड्रोजन भी सेम साइज से डिलीवर होगा जिस साइज को हमारा हाइड्रोक्सी है, ये देखिए हाइड्रोक्सी है, पर देखिए जब हमारा एस्टर ग्रुप है, एस्टर हमारा स्टीरिक हिंड्रेंस क्रॉस करेगा तो ये हमारा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आएगा, ये देखिए हमारा बिलो द प्लेन है। जब भी हमारा हाइड्रोक्सी होगा आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन उसी साइड से आएगा, और जब भी कोई हमारा अदर फंक्शनल ग्रुप जैसे एस्टर हो गया, मिथॉक्सी हो गया, तो हाइड्रोजन हमारा अपोजिट साइड से आएगा।
अब हमारा हाइड्रोजन इतना कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजनलिसिस की। तो हाइड्रोजनलिसिस में मैंने क्या बोला था कि क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, ओके। हमको हाइड्रोजनलिसिस जब भी है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड सोचना है, और हाइड्रोजनलिसिस और जब हाइड्रोजन पैलेडियम दिया है तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड हमको पहले सोचना है, देन हमको आपको रिडक्शन के बारे में सोचना है। तो एल्कोहल से हम इसको मान लीजिए, हम इसको C6H5 CH2 Cl से ट्रीट करते हैं, तो हमको ये बेंजल ऑक्सी ग्रुप मिल जाएगा। तो हमारा ये क्या है एक्चुअली, RO CH2 और ये फिनाइल रिंग PH, ठीक। सो हमको कहाँ पे बेंजाइल पोजीशन पे क्लीवेज कराना है, तो ये हमारी बेंजाइल पोजीशन है, तो यहाँ से हमारा क्लीवेज होगा। तो हाइड्रोजन भी हमारा सिस ऐसे एडिशन करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, एल्कोहल मिल गया हमको और टॉलुइन मिल गया। जब भी हमको इस तरह के सिस्टम मिलेंगे वहाँ पे हमको ये हाइड्रोजनलिसिस सोचना है, वहाँ पे क्लीवेज ऑफ बॉन्ड सोचना है। वो भी जो बेंजाइलिक पोजीशन है, बेंजाइलिक पोजीशन पे या तो ऑक्सीजन हो सकता है या तो नाइट्रोजन हो सकता है, हमको दो एक केस देखना है, ओके। ये देखिए हमारा बेंजाइलिक पोजीशन है, वन सेकेंड, ये हमारा बेंजाइलिक पोजीशन है। यहाँ से बेंजाइलिक पोजीशन से हमको टॉलिन मिल जाएगा, ये टॉलिन, और CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी यहाँ से, हमको R2NH मिल जाएगा। अभी इसको मैं आगे एग्जाम्पल भी शो करूँगा, इसी तरह की प्रॉब्लम मैंने एक और रखी है, उसको देखते हैं आगे। इससे पहले देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी हमारा हाइड्रोजनलिसिस होगा, हमारा ये पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड का क्लीवेज होगा, एल्किल हैलाइड से हमको एल्केन में कन्वर्ट हो गया। और इस यहीं पे से भी एल्किल हैलाइड पे नहीं, अगर हमारा कोई बेंजीन सिस्टम है वहाँ पे भी क्लीवेज होगा। ये देखिए CX बॉन्ड हमारा CH बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ओके। ये देखिए हमारा हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये एमीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे दो मिल जाएंगे। अभी इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। अब हमने दोनों हाइड्रोजनेशन को भी डिस्कस कर दिया, हाइड्रोजनलिसिस भी डिस्कस कर दिया है। तो अब कब हमारा हाइड्रोजनेशन होगा, कब हाइड्रोजनलिसिस होगा, तो आपको ये याद रखना है, ये हमारा हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है, हाइड्रोजनेशन सकें, जो हमारी रोडियम मेटल है वो हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होती है विथ एलुमिना, और ये जो हमारी है ये हमारी हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजनोलिसिस दोनों के लिए होती है। पर जब भी हाइड्रोजनोलिसिस, वन सेकेंड, लेट मी प्लग माई चार्जर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ओके। तो जब भी हमारा हाइड्रोजनलिसिस का प्रॉबिलिटी होगी, पहले हमारे हाइड्रोजनलिसिस होगी, हाइड्रो जीनोलिसिस, तो हमारा हाइड्रोजनलिसिस पहले होगा। हाइड्रोजनलिसिस देखिए हमारा ये बेंजाइलिक पोजीशन है, तो बेंजाइलिक पोजीशन रिड्यूस होगी, तो हमारा फिनाइल है, बेंजाइलिक पोजीशन पे क्लीवेज हो जाएगी, CH2 COH हमको मिल जाएगा, ओके। पर यहाँ पे हमारा हाइड्रोजनेशन होगा, तो हाइड्रोजनेशन के लिए हमारी एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग रिड्यूस हो जाएगी, तो हमको क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन बेस सिस्टम में रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखिए हमारा हाइड्रोजनेशन कब फेवर हो रहा है, हमारा हाइड्रोजनेसिस कब फेवर हो रहा है, तो जब भी पैलेडियम आपको दिया होगा तो आपको पहली बात जो सोचनी है वो हाइड्रोजनलिसिस सोचनी है, उसके बाद ही कहीं हाइड्रोजनेशन सोचना है। जबकि हमारा रोडियम मेटल दिया हो तो हमको पहले हाइड्रोजनेशन के बारे में सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। आइए इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, ये भी हमारी हाइड्रोजनलिसिस बेस्ड है, हाइड्रोजिनोलिसिस बेस्ड प्रॉब्लम है। तो ये देखिए हमारी बेंजाइलिक पोजीशन है, यहाँ पे हमारी क्लीवेज पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगी, ओके। तो हमको क्या मिलेगा, पहले हमको पहले मिलेगा टॉलुइन, ठीक है। अब ये देखिए ये बॉन्ड हमारा इस तरह से माइग्रेट कर सकता है CO2, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आ जाएगी, CO2,
क्या मिलेगा, RnH2। तो एग्जाम में आप कर सकता है कि हमको यहाँ पे तीन चीज़ मिल रही है, यहाँ पे इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। तो आपसे पूछ सकता है कि ए क्या है, बी क्या है एंड सी क्या है। तो तीन चीज़ आपसे पूछ सकता है, ए बी सी क्या है, तो आपको बताना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक लेक्चर में आपको हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजनलिसिस दोनों कंप्लीट किया, तुम्हारी टोटल 5 लेक्चर कंप्लीट हो गए, जिसमें मैंने एल्युमिनियम बेस्ड और बोरान बेस्ड और हाइड्रोजनेशन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बस रिडक्शन और बाकी जो रिड्यूसिंग एजेंट को कंप्लीट कर दूंगा। तो 6 लेक्चर में हमारे सारे रिड्यूसिंग एजेंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।